So welcome back to my channel. After a long time, I am doing a sit down video and the most favorite video of you guys. It is outfit from scratch. Yes, I am doing another part of outfit from scratch series. You guys seem to love those outfits जो हम खुद design करते हैं, खुद सोचते हैं कि क्या करना है, कैसे बनाना है, right from the material to design to tailoring and to the final outcome. Without any further ado, let's get into the video. So in today's video, I am going to show you how I designed the outfit I wanted and what was exactly in my mind. So this is not just any outfit from scratch, it's going to be from a saree. So मैंने घर की ही कोई साड़ी नहीं ली है. Actually few days back me and my mom went to Tirumala, which is in Borivali. बहुत बड़ा सा एक शोरूम कह सकते हो, वेयर आउटफिट्स आर ऑल्सो देयर, मटीरियल्स एंड लेसेस, अ लॉट ऑफ वेराइटी दे हैव ओवर देयर. सो वी वेंट ओवर देयर एंड वी सॉ देयर वॉज अ सेल गोइंग ऑन पटोड़ा सेक्शन में, विच इज गुजराती का, यू नो, लाइक अ ट्रेडिशनल काइंड ऑफ लाइक बांधनी पटोड़ा, ये सब हमारे में बहुत ट्रेडिशनल फैब्रिक्स एंड प्रिंट्स वगैरह में आता है. सो आई थॉट आई विल पिक अप पटोड़ा. सो वी एक्चुअली एंडेड अप टेकिंग 3 साड़ीज. सो फॉर मी, माई मॉम एंड माई नानी, सो 3 मदरहुड वो जनरेशन के लिए हमने पूरा 3 पटोड़ा साड़ीज उठाई. वी हैव थॉट कि हम पहले इनिशियली जनोई में पहनेंगे. सो यू कैन इमेजिन हाउ कितना, मतलब ये पुरानी चीज है जो. सो इनिशियली दैट वॉज द प्लान, बट दैट डिडंट हैपन बिकॉज आई वेंट बैंकॉक एंड मुझे टाइम ही नहीं मिला वो स्टिच के लिए देने का. एंड टू थिंक, यू नो, एंड आई वॉज बिहाइंड दिस सिंस अ रियली लॉन्ग टाइम. आई वॉज इन पिंटरेस्ट यूजिंग माई ओन लिटिल ब्रेन्स एंड एवरीथिंग, बट आई वॉज इन फाइंडिंग दैट राइट, यू नो, बैलेंस ऑफ दोज फ्यूजन एंड इंडियन लुक, बिकॉज आई वॉन्टेड टू गो फॉर इंडियन, बिकॉज पटोड़ा में से I don't think you can like create something which is like, you know, very fancy and western looking. So that was exactly in my mind. Then I sat and then was the plan ki main meri behan ki shaadi mein pehnungi mehndi mein, but again wo bhi nahi ho paya. So there was a lot of things going on. Then finally ये आउटफिट मैंने वास्तु में पहना था, मेरे घर का, जो आपने ऑलरेडी देख लिया है. एंड नाउ इज द आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच कमिंग. आई होप यू हैड लव्ड दैट, you know, the outfit. And if you haven't seen that vastu wala log, I'll link it down so you can check that out as well. So now I'm going to tell you guys how I planned the whole outfit and kaise uska final outcome aaya hai. So as I said, we actually bought 3 sarees. So ek ki print thodi si choti thi, but that my nani ended up having, and then dusri do jo sarees thi वो मेरी और मॉम की काफी सिमिलर थी. आई इंसर्ट अ पिक्चर दैट देयर वाज ओनली, यू नो, ग्रीन टोन्स का सिर्फ डिफरेंट था, एंड द प्रिंट वाज रियली बिग. एट स्टार्ट आई वाज लाइक, ओह पटोड़ा, लेट्स मेक अ आउटफिट फ्रॉम दैट, बट देन आई वाज लाइक कि दैट इज रियली अ बिग मोटिव जो है पटोड़ा का, एंड आई डिडंट वांटेड इट टू लुक, यू नो, लाइक वेरी एडल्टिश लाइक दैट. So I wanted to keep that elegance and, you know, simplicity in mind and design a outfit. So the first step was actually buying the fabric, which I actually did. So that was tick. So fabric ki jagah humne li sari jo thi, you know, like normal 5.5 meters, and, you know, blouse ka tukda aata hai usme, all that sorts. Second most important part was actually thinking ki main कैसे डिजाइन करूं कि वो मोटिव्स, एंड यू नो इट लुक्स वेरी प्रिटी. सो आई वॉज सिटिंग ऑन द पिंटरेस्ट. सो आई विल टेक यू टू अ लिटिल फ्लैशबैक जहां पे मैं एक्चुअली बैठी थी. मैं पिंटरेस्ट पे काफी सर्च कर रही थी. सॉरी द लाइटिंग इज फ्लक्चुएटिंग. आई थॉट आई विल फिल्म इन लाइक नेचुरल लाइट एंड सनलाइट. अभी थोड़ी थोड़ी शाम हो रही है, सो इट्स गोइंग डाउन, डोंट माइंड दैट. सो दैट वॉज गोइंग ऑन. सो लेट्स गो. Hi guys, so today we are going to do outfit from scratch. ये तो आपको पता ही है, but आज है उसका most tedious part. Today we are going to search what design exactly we want on the patoda saree. So I am on Pinterest right now. I am searching and this search has been crazy for me. मैं कितने time से search कर रही हूँ, but मुझे exact design मिली ही नहीं रही है जो मैं patoda के अंदर उसे, you know, like fit कर सकूँ. So I am searching. There are few things in my mind. First, I want it to be, you know, like flowy, and I want like long sleeves like that. Second point is going to be I want something jo uspe layer ho, no dupattas wagaira.
I want maybe a jacket or something on sorts of कुछ tie type का जो मैं you know बाकी boho looks में या किसी में you know utilize कर सकूं. So that are like one two things in my mind. Now let's see हमें क्या मिल सकता है, what things we can find out. So I'm just you know like searching looks and everything कि उसमें से मुझे कुछ मिल जाए. So let's search, देखते हैं क्या क्या चीजें आ सकती है. So you know if I search पटोड़ा तो मुझे कुछ ऐसा सा हमेशा मिलता है जो कि काफी इंडियन एंड यू नो समवन इन द एज ऑफ 30s 40s कैन वेयर इट एंड इट विल लुक सो ब्यूटिफुल ऑन देम. बट आई वॉन्ट टू डू समथिंग विच विल मेक मी लुक यंग एंड इट्स राइट फॉर माई एज टाइप्स. एंड फिर कुछ आ रहा है तो यू नो इट्स समथिंग लाइक नवरात्रि टाइप्स या कुछ लहंगा टाइप्स समथिंग लाइक दिस एंड ऑल. So these are not the things I am looking for. I do want something very okay. So this is something I really like. Video hai. So this is something I like. Kuch thoda crop top jaisa hai. There is some jacket and वैसे and नीचे हम maybe pants या कुछ दे सकते हैं. So that can be sort of one option. Let's see something more which we can find. It's been like literally guys 3 months ki main ye patoda outfit ke piche lagi hui hu and I don't know honestly ki uska kya ban sakta hai. This is also one like the neckline and everything I like, but the thing is ki I can't go you know like so deep because I am like heavy chested and then I have to wear it in like family functions and everything, so it won't be like too appropriate for wearing it. And agar maine neckline utna deep nahi bhi kiya to I don't know how it's going to look honestly. So ooh, I really like this one. This one is really good. It's something like full sleeves to me. It's like 3/4 sleeves, but we can like do it 3/4 sleeves. But it's like in a form of lehenga and उसमें एक jacket type भी I guess overlay ही किया हुआ है जहां तक I can see, और maybe we can just actually make it like a overlay thing. So that is there. So these are few ideas in my mind. Stay tuned till the end to see कि मैंने इसमें से कौन सी design pick की या मुझे शायद कोई और design मिल गई हो. I guess I have a design in my mind, बस थोड़ा modification चाहिए रहेगा. So stay tuned in the end to see what exactly outfit I do create. So this was the whole outfit in mind, and now was the part for giving it to the tailor. So then I went to the tailor, I explained him how I want, and it was you know very back and forth going on ki kaise karenge, because I had to buy another fabric for the jacket part and everything. In fact, thoda sa sneak peek de do, I am actually wearing that jacket coaty sort of a thing which is backless, and I styled it. I have also made a YouTube shorts get ready with me, you know, this boho look. So if you want to see this look, then you can head over there to the shorts department as well. So this is actually how I styled it. So this was exactly in my mind that something I can you know use it in different way and make most use out of it. तो मैंने इसके लिए ये पूरा लेयर क्रिएट किया जिससे वो एक नॉर्मल अनारकली सॉर्ट ऑफ थिंग भी बहुत एम्प अप होके फैंसी लग रहा था. सो दिस इज हाउ सी आई एम वेयरिंग इट विद अ व्हाइट शर्ट टू गिव अ बोहो लुक. यू कैन यू नो स्टाइल इट इन सो मेनी डिफरेंट वेज. सो दैट एलिमेंट वॉज इन माई माइंड एंड टिक, उसे भी मैंने अकम्प्लिश कर दिया. सो देन द आउटफिट इज हियर. ऑफकोर्स आई हैव वोर इट, बट लेट मी शो यू गाइज वॉट वॉज द फाइनल रिजल्ट. बहुत बैक एंड फोर्थ हुआ टेलर के साथ मेरा, बट एट लास्ट फाइनली दैट थिंग इज कम एंड इट्स टर्नड आउट टू बी सो ब्यूटिफुल, एग्जैक्टली जो माइंड में था. एंड अगर साड़ी पहननी है तो मॉम ऑलरेडी हैज वन जस्ट इन लाइक अ स्लाइट डिफरेंट कलर, सो आई कैन वेयर दैट टू. बट या लेट्स गो, लेट्स सी हाउ द आउटफिट इज टर्नड आउट.
was the whole outfit. I hope you really loved my thought behind it and everything. Like, you can save this video, share it with your friends, subscribe to my channel. I hope you love this video. I hope aap bhi kuch aisa create karo and you all also enjoy. You get some ideas out of this ki aap agar Gujarati ho ya aapko traditional fabrics pasand hai, तो उसमें से आप ये कैसे पूरा लुक क्रिएट कर सकते हो. इवन इफ यू हैव सम सारी लाइंग जो घर पे जो आप यू नो ज्यादा पहन नहीं पाते, इवन यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू सच ब्यूटीफुल अनारकली आउटफिट. सो या दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो. गिव इट अ थम्स अप, शेयर दिस वीडियो. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. लव योरसेल्फ एंड बाय बाय.